बंदा मेरे चश्मे आलम से सब चुप जाने वाले। किसी शायर ने कहा था, जैसे नबी मेराज हो गए और नमाजें कम करवाई, जैसे नबी मेराज हो गए, बात आगे तक बोलिएगा, जैसे नबी मेराज हो गए और नमाजें कम करवाई, तुम भी जरा मेराज हो जाओ और नमाजें कम करवाओ, फिर कहना हुई जैसे है। अपनी तरह नबी को कहते हो, अपनी तरह समझते हो, कहां तुम सुन वाला, कहां तुम दूध वाला, कहां तुम सुन वाला, कहां तुम दूध वाला, कहां तुम साग वाला, कहां तुम नूर वाला, कहां तुम सुन वाला, कहां तुम दूध वाला, कहां तुम साग वाला, कहां तुम नूर वाला। और तू अपने महबूब से मिलने जाए तो मुलाकात कहलाए, और वो अपने महबूब से मिलने जाए तो मेराज कहलाए, वो अपने महबूब से मिलने जाए तो क्या कहलाए, मुलाकात। और अगर वो अपने महबूब से मिलने जाए तो मेराज कहलाए। तो शायर ने कहा था, जैसे नबी मेराज हो गए और नमाजें कम करवाई, तुम भी जरा मेराज हो जाओ और नमाजें कम करवाओ, फिर कहना हम जैसे थे, कंकड़ियों से कलमा पढ़ाओ, फिर कहना हम जैसे थे, दरख्त को अपने पास बुलाओ, फिर कहना हम जैसे थे, नील के चश्मे को बहाओ, फिर कहना हम जैसे थे, इशारे से चांद को टुकड़े कर देना, फिर कहना हम जैसे थे, डूबे सूरज को घुमाना, फिर कहना हम जैसे थे, और पेशानी में दाग बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, पेशानी में दाग बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, अरे नक्शे कदम पत्थर पे बनाओ, फिर कहना हम जैसे थे, पेशानी में दाग बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, पेशानी में दाग बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, नक्शे कदम पत्थर पे बनाओ, फिर कहना हम जैसे थे, फिर कहना हम जैसे थे। आइए मोहब्बत से अब मैं नाते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बनाने को अपने भाई अजीज मोहम्मद शायर सल्लल्लाहु साहब को दावत सुबह दूंगा कि वो बहुत ही प्यारे अंदाज से हम सामाई को नाते नबी सुनाए और हम सामाई के कुलूब को मनवर और मुजल्ला फरमाए। आप लोग एक बार बेदार हो जाइएगा, बस सिर्फ एक बार, इसके बाद प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। एक बार बेदार हो जाएंगे ना, हो जाएंगे, सभी लोग हो जाएंगे, बस एक बार हो जाइएगा, एक बार सुना दूं, सुना दूं, सुनेंगे, बोलेंगे ना, अगर बोले ना तो अभी बता दूं, बैठ जाऊंगा, फिर मजा नहीं आएगा, बोलेंगे तो मजा आएगा, ठीक है, बोलेंगे, बोलेंगे पक्का। चलिए तो सुन लीजिएगा, मैं सुनाता हूँ आपको वही से जो मैं अक्सर जलसों में पढ़ा करता था, अक्सर प्रोग्रामों में वो शेर पढ़ा करता था, और मेरे भाई की भी फरमाइश है वही से की मैं आपको सुनाऊंगा, बड़े मोहब्बत से शेर सुनिएगा। कर दीजिएगा आप लोगों को तकलीफ।